हेलो फ्रेंड्स जय हिंद वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टुडेज एडिटोरियल डिस्कशन एंड एनालिसिस आज है सेवेंथ जुलाई और आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों चार रेलेवेंट एडिटोरियल्स तो दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पे है एडिटोरियल्स आज के कौन से रहेंगे तो दोस्तों दो आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे इंडिया एंड द वर्ल्ड इंटरनेशनल रिलेशन से बड़ा अच्छा आर्टिकल एक हिंदू में आज सुहासनी हैदर जी ने लिखा है आ, तो यहाँ पे जो बातें करी गई हैं वो मोरलेस हमने पहले भी डिस्कस करी हैं जी सेवन को लेके नेटो समिट को लेके ब्रिक्स समिट को लेके कुछ नई बातें हैं जो यहाँ पे ऐड उन्होंने करी हैं उनको हम एनालाइज़ करेंगे थोड़ा ब्रीफली समझेंगे इसमें फिर दोस्तों एक आर्टिकल आया है अगेन इंडिया यूरोपियन यूनियन के ग्लोबल डायनामिक्स ऑरेंटेड यहाँ पे बात करी जा रही है यहाँ पे बात करी जा रही है कार्बन बेस्ड एडजस्टमेंट मैकेजम के रिगार्डिंग फिट फॉर फिफ्टी फाइव लेजिस्लेशन के रिगार्डिंग फिर दोस्तों हम एक आर्टिकल आया है पीटर पीटर रोनल्ड डिसूजा का इंडियन एक्सप्रेस में जहां पे वो बात कर रहे हैं लेजिटिमेसी ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स की तो ये आर्टिकल जो है जुडिशल रिफॉर्म से या जुडिशल एथिक्स से भी आप रिलेट कर सकते हैं और अंत में दोस्तों समझेंगे आईटी एक्ट सेक्शन सिक्सटी ए के बारे में जो भी रिसेंट कॉन्ट्रोवर्सी ट्विटर और भारत सरकार के बीच में चल रही है तो ट्विटर ने कर्नाटका हाईकोर्ट में एक अपील फाइल करी है तो उसके बारे में समझेंगे कि सेक्शन सिक्सटी ए क्या है ये सब बातें हम समझेंगे और क्वेश्चन ऑफ द डे आपको टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो देखने को मिल जाएगा बाकी दोस्तों काफ़ी बच्चे कहते हैं कि हम अपने ये जो क्वेश्चन आप दे रहे हैं सर इसको हम आंसर कहाँ पर पोस्ट करें तो भाइयों बहनों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है जिसका नाम है एडिटोरियल्स विद मीन्स आंसर राइटिंग तो आप अपने इन क्वेश्चन को यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं अगर आपको इस टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस चाहिए तो वट यू हैव टू डू इस चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो इन द वीडियो नाउ यू विल फाइंड वन लिंक ये लिंक आपको मिलेगा इसको क्लिक करेंगे यू विल गेट एक्सेस टू द टेलीग्राम चैनल यदि नहीं मिलता तो आपने क्या करना है आपने इस नंबर पे सिक्स टू एट जीरो वन डबल थ्री वन डबल सेवन इस पर आपने टेलीग्राम की आपसे मैसेज करना और हमारी तरफ से कोई ना कोई आपको ऐड कर देगा ठीक है दोस्तों और एक नया फीचर हमने शुरू करा है चलो बेस्ट आंसर तो हम शाम को पिन करते ही हैं टेलीग्राम के ग्रुप में एक मॉडल आंसर भी आपको प्रोवाइडेड रहता है जो कि टेलीग्राम के ग्रुप में शाम को छह बजे पिन कर दिया जाता है सो so, बाकी दोस्तों बेस्ट आंसर जो कल क्वेश्चन पूछा था शशांक शेखर का वेरी वेल डन शशांक शशांक काफ़ी कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं और काफ़ी फ्रीक्वेंटली इनके आंसर्स बेस्ट आंसर्स में भी आ रहे हैं सो वेरी वेल डन वेरी हैप्पी टू सी योर ग्रोथ शशांक और शशांक काफ़ियों के आंसर्स भी रिव्यू कर रहे हैं टेलीग्राम ग्रुप में अब यहाँ पे इस क्वेश्चन की बात करें तो बहुत कॉम्प्री और सबसे अच्छी बात है कि इनकी हैंड बड़ी अच्छी है इनकी हैंड काफ़ी क्लियरली है और काफ़ी अच्छा लगता है इनके आंसर को भरना अब जैसे इन्होंने आंसर शुरू करा यहाँ पे स्टार्ट की बात करते हैं क्वेश्चन जो पूछा गया था कि भी मासिफिकेशन ऑफ हायर एजुकेशन क्या है तो पहले तो उसके बारे यहाँ पे उन्होंने डेफिनेशन दी है और क्या इसके चलते क्या मासिफिकेशन ऑफ हायर एजुकेशन के चलते क्या एक्सेसिबिलिटी अगर हायर एजुकेशन की बड़ी है तो क्या उससे हम इनक्वालिटीज़ को रिड्यूस कर पाए हैं कि नहीं कर पाए हैं तो उन्होंने दोनों ही यहाँ पे वर्जन रखे हैं कि हाँ कर भी पाए और क्यों नहीं भी कर पाए तो दोनों बातें यहाँ पे रखी है बहुत अच्छी फैक्चुअल बातें यहाँ पे उन्होंने डाली है इन्होंने यहाँ पे ग्राफ भी बनाया है जहाँ पे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स की बात करते हैं इंडिया यूएसए यूके की अगर हम बात करें राइट फिर अगर चैलेंजेस की बात करते हैं एक बड़ा अच्छा पॉइंट मेरे को यहाँ पे लगा था यू विदाउट क्यू सिंड्रोम यानी कि चलो यूनिवर्सिटीज़ तो बहुत आ रही हैं यहाँ पे लेकिन क्या क्वालिटी एजुकेशन वो दे रही है बिकॉज हमने कल डिस्कस भी किया था कि बहुत सारे कॉलेजेस हैं खास करके बी टेक कॉलेजेस की बात करें तो आर मशरूमिंग अक्रॉस द कंट्री बट क्या वो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये आंसर को आप पढ़ सकते हैं टेलीग्राम पर पिन कर दिया जाएगा सो वेरी वेल डन चलिए तो शुरू करते हैं वर्ड्स फ्रॉम बैंडोंग बैंडोंग कहाँ पे है इंडोनेशिया में है टू टू री इन बाली एंड डेली तो पहले बहुत ब्रीफली जो कंटेक्स्ट है इस आर्टिकल का जिस कंटेक्स्ट में सुहासनी जी ने आर्टिकल लिखा है काफ़ी अच्छा लिखती हैं सुहासनी जी भी राइट इनके वीडियोस भी आते हैं द हिंदू अगर आपने चैनल अगर यूट्यूब पे सब्सक्राइब करा हुआ है तो इनके वीडियोस भी आते हैं जो भी बर्निंग टॉपिक्स रहते हैं आई से ओरिएंटेड तो उनके बारे में डेफिनेटली काफ़ी इनसाइट्स प्रोवाइड करते हैं अब देखिए जून के लास्ट हफ्ते जून के लास्ट वीक में तीन मीटिंग्स हुई थी तीन बहुत बड़ी सबमिट्स हुई थी तो जी की मीटिंग जर्मनी में हुई थी एक आपकी ब्रिक्स की मीटिंग फोर्टीनथ ब्रिक्स मीटिंग जो कि वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर हेल्ड करी गई थी और एक नेटो की मीटिंग जो कि मेड्रिड में स्पेन में हुई थी अब इंडिया की देखिए अब हम अपने बैलेंसिंग एक्ट की बात करते हैं हम अपने फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं स्ट्रेटिजिक ऑटोनॉमी की तो हमने जी सेवन के समिट में भी इन्विटेशन जो कि हमको जर्मनी के चांसलर ने एक्सटेंड किया था हमने वो भी अटेंड करा और साथ के साथ हमने ब्रिक्स की मीटिंग भी अटेंड करी अब देखिए दोनों ही मीटिंग में जी सेवन की मीटिंग में ब्रिक्स की मीटिंग में इनफैक्ट तीनों ही मीटिंग्स पे तीनों ही मीटिंग्स में जो कॉमन एजेंडा था रशिया यूक्रेन की लड़ाई का था नेटो की मीटिंग में हम इनवाइटेड नहीं थे नेटो की मीटिंग में हमने ये देखा कि नेटो के जो मेंबर्स हैं उन्होंने इनवाइट करा उन हमने यहाँ पे नेटो की मीटिंग में इंडो पैसिफिक आउटरीच देखा तो यानी कि यहाँ पे जापान साउथ कोरिया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड इन सब के प्राइम मिनिस्टर्स प्रेजिडेंट्स को भी नेटो की मीटिंग में बुलाया गया था जी की मीटिंग की बात करें तो वहाँ पर अब हमने ये भी पढ़ा है कि जी को जी इलेवन एक्सपैंड करने की बात करी जा रही है तो यहाँ पर जी में स्पेशल इन्वाइटीज थे अर्जेंटीना था इंडोनेशिया था इंडिया सैनिकल साउथ अफ्रीका और ब्रिक्स की मीटिंग में भी ये बात सामने आई है मतलब ऐसी न्यूज आ रही है कि आने वाले टाइम में हो सकता है अर्जेंटीना और ईरान भी ब्रिक्स के मेंबर्स बन जाए ना ये सब ठीक है बट वॉट इज द आगे जाके वट इज गोइंग फॉरवर्ड आने वाले टाइम में क्या होने वाला है हमको पता है कि एजेंडा एक ही डिस्कस किया गया है राधा दो एजेंडाज डिस्कस करे गए हैं नेटो पे और जी सेवन में एक तो आपका जो रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और दूसरी बात चाइना का जो एक्सपेंशनिस्ट एटीट्यूड है इन द इंडो पैसिफिक तो नेटो ने इस बात को भी एक्सेप्ट करा है कि चाइना इज ऑल्सो अन इक्वल अमाउंट ऑफ सरदर्दी फॉर आस एन इक्वल अमाउंट ऑफ चैलेंज फर अस एज रशिया इज न आने वाले टाइम में आने वाले टाइम में क्या होने वाला है हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है वो फॉरिन मिनिस्टर्स की जो जी ट्वेंटी मीटिंग है वो अटेंड करने वाले हैं बाली में जुलाई सात से आठ आप ये बात भी जानते हैं कि इस साल जो जी ट्वेंटी की प्रेजिडेंसी है इंडोनेशिया के पास है अगले साल प्रेजिडेंसी हमारे पास है भारत के पास है ठीक है अब कुछ महीनों के बाद नवंबर में इंडोनेशिया जी ट्वेंटी सबमिट भी होस्ट करेगा जहाँ पे जो हेड्स ऑफ द स्टेट है जी ट्वेंटी देशों के वो आएंगे और हम दिसंबर में जी ट्वेंटी प्रेजिडेंसी टेक ओवर करेंगे अगले साल हम यहाँ पे जी ट्वेंटी का मीटिंग होगा है ना अब आने वाले समय में क्या हम ये केयरफुल बैलेंसिंग एक्ट बना पाएंगे जो आज के टाइम पे हम बना के चल रहे हैं यानी कि कम्फर्ट के साथ हम ब्रिक्स में भी हैं एक कम्फर्ट के साथ हम जी सेवन मीटिंग भी अटेंड कर रहे हैं यूनेवेनो कल को हम जी इलेवन का भी हिस्सा बन जाए तो गोइंग फॉरवर्ड कैन इंडिया बिल्ड अ मूवमेंट याद करिए नाइनटीन फिफ्टीज़ और सिक्सटीज़ के ज़माने को आ, हम बात करें अगर कर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की तो नाइनटीन सिक्सटीज़ में नॉन अलाइन मूवमेंट की स्थापना करी गई थी ठीक उसी तरह जैसे आज के टाइम पे हम पोलराइज माहौल की बात करते हैं पोलराइज एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो उस उस समय में भी दुनिया दो कैंप्स में बटी हुई थी एक यूएसए कैंप और एक यूएसएसआर कैंप लेकिन हमने नॉन लाइन मूवमेंट लॉन्च करा हमने ये बोला कि भी हमारी अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है हम ना तो यूएस के साथ अलाय करेंगे ना यूएसएसआर के साथ करेंगे और ये जो एफ्रो एशियन यूनिटी देखने को मिली थी नॉन अलाइन मूवमेंट में तो यही मैसेज आया था कि भी हम अभी देखिए अभी रिसेंटली हमको आज़ादी मिली है ठीक है हम कॉलोनाइज रह चुके हैं चाहे वो बहुत सारे अफ्रीकन एशियन कंट्रीज थी तो हम अपनी नीड्स के हिसाब से अपनी नेसेसिटी के हिसाब से जरूरत पड़ेगी तो अमेरिका के पास हम हेल्प पांगे ज़रूरत पड़ेगी यूएसएसआर के पास तो क्या आज के मौके में क्या इंडिया के पास वो मौका है क्योंकि अभी भी जो दुनिया है बहुत पोलराइज है तो गोइंग फॉरवर्ड क्या इंडिया को ऐसी मूवमेंट क्रिएट कर सकता है अमिट्स दिस पोलराइज एटमोस्फेयर ना बात करें ब्रिक्स 2022 की देखिए पहली मीटिंग है जो कि रशिया के, के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुटिन ने अटेंड करी जब से यूक्रेन के ऊपर जो आक्रमण लॉन्च किया गया था फेब्रवरी 24 2022 के बाद ठीक है उसके बाद ये पहली मीटिंग थी जहां पर रशिया के प्रेसिडेंट आए थे मोदी जी भी हमारे जो प्रधानमंत्री उन्होंने भी अग्री किया डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारे डिफरेंसेस चल रहे हैं चाइना के साथ पिछले दो सालों से हमारा स्टैंड ऑफ चल रहा है चाइना के साथ अक्रॉस दी एल और देखिए ये एक मौका यहाँ पे ये भी था कि चलो हम जी सेवन की मीटिंग पे भी गए थे वहां पे हमको पता था कि मुद्दा क्या डिस्कस किया गया था रशिया यूक्रेन का लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखिए हमारी अपनी ऑटोनमी है हमारा अपना नेशनल इंटरेस्ट है ठीक है हम रशिया को नहीं कंडेम कर रहे हैं हम इस बात का तो कंडेम कर रहे हैं कि चलो लड़ाई चल रही है रशिया यूक्रेन में इनोसेंट लोग

राइट सो इंडिया इज ट्राइंग टू मेंटेन दैट बैलेंस बात समझने वाली क्या है कि इंडिया अपना ही बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है बिटवीन द वेस्ट ऑन वन हैंड एंड बिटवीन रशिया एंड चाइना ऑन द अदर हैंड राइट अब यहाँ पे इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स की बात करें तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने ब्रिक्स के इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स को बहुत ज्यादा उसकी प्रशंसा करी आज से दस बारह साल पहले मैं बहुत बार पहले भी ये बात कह चुका हूं कि ब्रिक्स को एक बहुत प्रॉमिसिंग ब्लॉक माना जाता था कि टवर्ड्स 2050 के कैसे ब्रिक्स इमर्ज कर सकता है एज द न्यू ग्लोबल ऑर्डर साउथ साउथ कॉपरेशन की बात थी वॉशिंगटन कंसेंसस को चैलेंज करने की बात थी पर बहरहाल अभी पिछले कुछ चार पाँच सालों से ब्रिक्स थोड़ा धुंधला सा लग रहा है ये बार ये मैंने पहले भी बात की थी कुछ दिन पहले अब ब्रिक्स का जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है जो कि दो में लॉन्च किया गया था दिस हैज़ अप्रूवड अबाउट सेवेंटीन लोन्स टोटलिंग अबाउट फाइव बिलियन डॉलर्स फॉर रशियन एनर्जी एंड प्रोजेक्ट्स तो रशिया के लिए बहुत बड़ी बात है जब इतने सारे देशों ने रशिया के ऊपर इकोनॉमिक सेंक्शन लगाए हैं तो इस तरह की जो मदद एनडीबी से मिल रही है या सीआर यानी कि कंटेंजेंसी रिजर्व अग्रीमेंट से अगर रशिया को ये हेल्प मिल रही है तो बहुत बड़ी बात है रशिया ने व्लादिमिर पुटिन जी ने सजेशन भी दिया है कि क्यों ना ये जो ब्रिक्स देश है वाई नॉट बिकॉज ऑफ रशिया के ऊपर सैक्शन लगे हुए हैं तो रशिया ने यह प्रपोजल दिया है हाउ अबाउट हम एक ग्लोबल रिजर्व करेंसी का एक सिस्टम बनाए विच इज़ बेस्ड ऑन अ बास्केट ऑफ करेंसीज एंड ट्रेडिंग इन लोकल करेंसीज यानी कि ब्रिक्स देशों के बीच में जो करेंसीज है उसका हम क्यों एक ग्लोबल रिजर्व करेंसी बनाए ठीक है और रशिया अभी बहुत ज़्यादा डिस्काउंट में बहुत ज्यादा डिस्काउंट में बहुत सस्ते दाम में जो तेल है कोल है वो ब्रिक्स देशों को देने को भी वो बात कर रहा है ठीक है और साथ के साथ एक और यहाँ पर बात सामने है कि हो सकता है आने वाले टाइम में अर्जेंटीना और ईरान जो है वो भी शायद ब्रिक्स में शामिल हो जाए नाउ अगेन अब जी की समिट की बात करें जी जो जर्मनी में बात हुई थी देखिए अब ये प्रूफ है हमारी फ्लेक्सिबिलिटी का नॉट दैट कि हम अपनी फ्लेक्सिबिलिटी का प्रूफ किसी को दिखाना चाहते हैं या हम किसी के गुड बुक्स में आना चाहते हैं बट ये प्रूफ है हमारी फ्लेक्सिबिलिटी का कि भाई हम दोनों साइड्स ऑफ द कंफ्लिक्ट में इक्वली हम हैं यानी कि चलो ठीक है हम रशिया को कंडेम नहीं कर रहे हैं लेकिन हमारे नेशनल इंटरेस्ट और हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट अगर हमको कहेंगे एंगेज करने के लिए ब्रिक्स के साथ या जी सेवन के साथ तो हम करेंगे जी सेवन में तो स्पेशली टारगेट किया गया था रशिया वॉर इन यूक्रेन को लेकिन हम इस स्टेटमेंट का हिस्सा नहीं थे इंडिया कौन सी स्टेटमेंट्स का हिस्सा था जहां पे रिजिलियंट डेमोक्रेसीज की बात करी गई है जहां पे क्लीन एंड जस्ट ट्रांजिशन टू क्लाइमेट न्यूट्रलिटी की बात करी गई है तो इस तरह की स्टेटमेंट्स का हम हिस्सा थे बट वी हैड नथिंग टू डू विद स्टेटमेंट इशूड बाई जी सेवन टारगेटिंग रशिया नॉ दैट शोज आर फ्लेक्सिबिलिटी अगेन आई विल रिपीट नॉट दैट दट वी हैव टू प्रूफ आर फ्लेक्सीबिलिटी टू एनी वन बट दैट शोज द जियो पोलिटिकल बैलेंसिंग विच वी हैव बिन डूइंग एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम वी हैव बिन डूइंग दिस बैलेंसिंग मेनी माइट से दैट ओ इंडिया इतना वीक है आप कहेंगे कि सर इंडिया इतना वीक है कि वो बैलेंसिंग कर रहे हैं वाई कॉन्ट इंडिया टेक अ स्टैंड मजबूत तरीके से बट ये हमारे अपने इंटरेस्ट हैं लाइक like, डिप्लोमेसी में फॉरन पॉलिसी में चीज़ें ब्लैक एंड वाइट नहीं होती हैं चीज़ें बहुत ग्रे स्केल से देखनी चाहिए अगर हम डिप्लोमेसी की बात करते हैं ठीक है तो कई बार हमको एथिक्स को भी इग्नोर करना पड़ता है अगर हम फॉर एथिक एथिकल बात तो आई जाती है कि भी रशिया अगर इतने वहाँ पे लोग मार रहा है यूक्रेन में इतने वहाँ पे लोग मारे जा रहे हैं तो एथिकल बात तो हमारे लिए यही बनती है कि रशिया को हम कंडेम करें लेकिन हम नहीं कर रहे हैं बिकॉज हमारे जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है वो हमको भी नहीं अलाउ करते कि हम रशिया को कंडेम करें या हम ब्रिक्स की मीटिंग ना अटेंड करें या हम जी की मीटिंग ना अटेंड करें ठीक है तो हमको अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हमको अपने नेशनल इंटरेस्ट के साथ चलना है अब नेटो की जो मीटिंग हुई स्पेन में मैड्रिड में पिछले हफ्ते अब देखिए वहां पे चलो रशिया यूक्रेन की तो बात हुई लेकिन साथ के साथ चाइना को भी एक बहुत बड़ा चैलेंज माना गया नेटो के इंटरेस्ट के लिए सिक्योरिटी के लिए और वैल्यूज़ के लिए ठीक है और साथ के साथ यहां पर हम देखते हैं देखिए चाइना का फुटप्रिंट साउथ पैसिफिक रीजन में भी बहुत बढ़ रहा है अभी अप्रैल में आपको याद होगा सोलोमिन आलेंस के साथ एक सीक्रेट सिक्योरिटी पैक्ट साइन किया था चाइना ने उसके अलावा चाइना और भी साउथ पैसिफिक देशों के साथ अपनी एंगेजमेंट बढ़ाने की बात कर रहा है अब इसके चलते अमेरिका अगर अमेरिका की बात करें ऑस्ट्रेलिया की बात करें वो थोड़ा चिंतित भी हैं बिकॉज बहुत सारी मिलिट्री बेसिस हैं अमेरिका की जो साउथ पैसिफिक रीजन में लाए करती हैं तो यहाँ पे एक और इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक इनिशिएटिव ठीक है जिसके पार्टनर्स कौन है पांच पार्टनर्स हैं यूएसए यूके ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड और जापान तो अगेन यहाँ पर रेकग्नाइज़ किया जा रहा है इस बात को अच्छी तरह से रेकग्नाइज़ किया जा रहा है कि चाइना जो है वो नेटो के लिए उतना ही बड़ा चैलेंज है जितना रशिया है और एक और बात जो इस मीटिंग में सामने आई थी कि अभी तक तो नेटो बहुत सेंसिटिव था अबाउट द रशियन कंसर्न कि नेटो इतना ईस्टवर्ड एक्सपैंड क्यों हो रहा है लेकिन नेटो वुड नाउ नो लॉन्गर कंसिडर एनी काइंड ऑफ रशियन सेंसिटिविटीज ऑन द सब्जेक्ट ऑफ नेटोज एक्सपेंशन तो ये बात सामने आई है तो ये मौका है इंडिया को लीडरशिप दिखाने का इंडिया मस्ट लीड देखिए तीनों ही मीटिंग्स में नेटो की ब्रिक्स की और जी सेवन की यह बात सामने आई है कि पोलराइजेशन बढ़ रहा है जो डिवाइड है वो बढ़ रहा है बिटवीन द अटलांटिक पैसिफिक एक्सिस द वेस्टर्न अटलांटिक पैसिफिक एक्सिस ऑन वन हैंड एंड द रशिया चाइना एक्सिस ऑन द अदर हैंड ठीक है हमारी स्ट्रैटेजी बहुत डिफेंसिव रही है ना तो हमने रशिया को क्रिटिसाइज करा है ना ही तो हमने रशिया को इतना ज्यादा कुछ बुरा भला बोला है ठीक है ना हमने रशिया को सपोर्ट करा है ना क्रिटिसाइज करा है इस पूरे लड़ाई के चलते लेकिन एक हैरानगी की बात यहां पे ये भी है कि हाँ हम डेफिनेटली रशियन ऑयल बाय कर रहे हैं और बाय भी किसमें कर, कर रहे हैं चाइनीज़ करेंसी में चाइनीज़ यून में हम बाय कर रहे हैं ना अब ये बात हमने पहले भी करी है कि हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर ने इतना पहले भी कहा था कि भाई आप वेस्टर्न देश हमको ना सिखाएं कि हमको क्या करना है क्या, क्या नहीं करना आप हमसे कई गुना ज़्यादा तेल रशिया से मंगाते हैं तो अगर हमको डिस्काउंटेड प्राइस पर रशिया से तेल मिल रहा है अगर हम ले रहे हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है बिकॉज हमको हम वैसे भी ऑयल इतना सारा इंपोर्ट करते हैं है ना ऑयल यहाँ पर डोमेस्टिकली उतना प्रोड्यूस होता नहीं है हमारी नीड्स हैं ठीक है तो इस करके अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं रशिया से तो इसमें आपको बुरा नहीं मानना चाहिए लेकिन अब हमारी बैलेंसिंग देखिए कि हम चाइनीज करेंसी में रशिया का ऑयल बाय कर रहे हैं बिकॉज ऑब्वियसली सैक्शन रशिया के ऊपर लगाए गए हैं नाउ दैट एज वेल नाउ विल दैट प्रोवाइड अ मौका विल दैट प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू लीड फ्रॉम द फ्रंट नाउ द बैलेंसिंग आर कंटिन्यूज नाउ इंडिया इज वर्किंग टू डाइवर्सिफाई चलो आत्मनिर्भरता की भी बात है कि हम बाकी देशों के साथ भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के चलते यहाँ पे डिफेंस इंडिजनाइजेशन डिफेंस मॉडर्नाइजेशन के टूवर्ड्स मूव करेंगे लेकिन अभी भी हम अपने डिफेंस परचेजेस को सुहासनी सुहासिनी जी कह रहे हैं अभी भी अप, अभी भी हम अपने डिफेंस परचेजेस को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं फ्रॉम रशिया डिस्पाइट कि रशिया और चाइना आज के टाइम में बहुत अच्छे मित्र हैं और हमारी बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस चाइना के साथ हैं आपको याद होगा अभी पीछे ही की बात है अभी पिछले साल की बात है डिसंबर में एस फोर मिसाइल्स भी हमने रशिया से मंगाई थी ठीक है ना इंडिया इज ऑल्सो श्रिंकल टिल्ड टूवर्ड्स अमेरिका एंड द कॉर्ट पार्टनर्स इन द इंडो पेसिफिक अभी अभी मई में टोक्यो में थर्ड कॉर्ट समिट भी हुआ था ठीक है वहाँ पे आई जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम अमेरिका लेट जो आई अनाउंस किया गया था इंडिया ने उसकी भी मेम्बरशिप के लिए अपने आपको यहाँ पर एक्सेप्टेंस दिए कि हम भी आई का मेंबर बनना चाहते हैं तो मल्टीलेटल स्टेज में जैसे बहुत बार हम पहले भी बात कर चुके हैं एज अ स्विंग स्टेट की जो हम बात करते हैं इंडिया इज लाइक अ स्विंग स्टेट तो इंडिया रिमेन्स अ बैलेंसिंग वॉइस इन द रूम राइट और भारत ने यह भी इंश्योर करा कि जो ब्रिक्स की जो बीजिंग डिक्लेरेशन थी दैट डिड नॉट कैरी एनी काइंड ऑफ अ मैसेज जहां पे रशिया रश्य, की जो पोजिशन ऑन द यूक्रेन वॉर वहां पे रशिया अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है या ऐसी कोई स्टेटमेंट जो कि ब्रिक्स की डिक्लेरेशन में इशू करेगी जहां पे वेस्ट को क्रिटिसाइज किया जा रहा है नाउ दैट शोज कि इंडिया रिमेंस अ बैलेंसिंग वॉइस इन द रूम नाउ उसके बाद अब यहां पे मौका है इंडिया को लीडरशिप मूवमेंट सीज करने का ठीक है अभी अगर हम दुनिया की बात करें तो वर्ल्ड इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली अनकंफर्टेबल विद ग्रोइंग पोलराइजेशन अब देखिए अभी तो फिलहाल जो प्रेसिडेंसी है इंडोनेशिया के पास है जी ट्वेंटी की तो जो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है उनको इस बात की भी चिंता है कि बहुत सारे लीडर्स जो है जी ट्वेंटी देशों के वो रिफ्यूज कर रहे हैं कि हम जी ट्वेंटी मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे बिकॉज कुछ जी ट्वेंटी के सेशन है जिनको एड्रेस व्लादिमिर पुतिन करेंगे अब ये इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जो को विडोडो की सिरदर्दी है उनकी रिस्पांसिबिलिटी है कि वो इंश्योर करेंगे अगर मैं अगर इंडोनेशिया प्रेसिडेंट है जी ट्वेंटी का तो सारे के सारे लीडर्स यहां पे मौजूद हो, प्रेजेंट हो। अब कुछ ज़्यादा आगे देखिए बहुत ज़्यादा कोई बीच में टाइम गैप नहीं है अगले साल इंडिया के पास प्रेसिडेंसी होगी तो डिफरेंसेस एकदम से कुछ आठ या नौ महीने में तो कम नहीं होने वाले है ना वेस्ट के और रशिया के तो अब हमको भी ये बात इंश्योर करनी पड़ेगी कि अगर आज इंडोनेशिया में सारे के सारे जी ट्वेंटी लीडर्स अगर मीटिंग अटेंड कर रहे हैं तो ये बात हमको भी इंश्योर करनी पड़ेगी कि सारे के सारे लीडर्स अगले साल जब इंडिया में जी मीटिंग होगी तो यहां पर भी वो सारे के सारे मीटिंग अटेंड कर सके ठीक है तो वी हैव टू इंश्योर दैट द जी ट्वेंटी स्टेज टूगेदर एंड गैदरिंग द लाइक माइंडेड कंट्रीज देखिए वन फोर्टी वन कंट्रीज दे हैव वोटेड एंड दे हैव कंडेम्ड रशिया फॉर इट्स इन्वेजन ऑफ यूक्रेन यू एन के फोरम पे ठीक है लेकिन ओनली नाइनटी थ्री हैव वोटेड टू आउट रशिया फ्रॉम द ह्यूमन राइट्स काउंसिल इवन अगर आगे चलें तो चालीस देश हैं जिन्होंने यूएस और यूरोप लेट सैंक्शंस ज्वाइन करे हैं अगेंस्ट रशिया तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि इंडिपेंडेंटली माइंडेड कंट्रीज हैं जो रशिया को कंडेम नहीं कर रहे हैं वो यहाँ पे अपने खुद के नेशनल इंटरेस्ट को देख रहे हैं वो ब्लाइंडली सिर्फ अमेरिका को या यूरोप को खुश करने के लिए रशिया के अगेंस्ट नहीं हो रहे हैं तो हमको इस तरह की इंडिपेंडेंट माइंडेड कंट्रीज के साथ कोलिशन बनाना चाहिए ताकि हम इंश्योर कर सकें कि जो स्टेबिलिटी है वो इंटैक्ट रह सके देखिए अभी कुछ दिन पहले एक आर्टिकल आया था जहां पर टी पी श्रीनिवासन का था जहां पर यह बात करेगी थी कि मल्टी अच्छा है कि बायो अच्छा है ठीक है वहां पर यह कह रहे थे कि बाय ज्यादा अच्छा है एज कंपेयर टू मल्टी लेकिन इस आर्टिकल में देखें तो सुहासनी हदर क्या कह रहे हैं इस आर्टिकल में सुहासनी हदर कह रहे हैं कि दुनिया को ज्यादा मल्टी चाहिए और इंडिया के पास वो मौका है लीडरशिप अटेन करने का अगर ज्यादा मल्टीलेटल हो तो, तो अगेन देखिए डिफरेंट बातें आर्टिकल्स में हर किसी के अपने ओपिनियंस है वो आते रहते हैं हमको एक बैलेंसिंग था बातें समझनी है अब इंडिया के इंटरेस्ट को क्या सर्व करेगा देखिए इंस्टेट के हम हर किसी को जस्टिफाई करते रहे कि हमने रशिया के गेम्स हमने क्यों एब्सटेन किया क्यों नहीं किया और डिफेंसिव हो इससे बेटर है कि हम एक लाइक माइंडेड कंट्रीज का पोल्यून बनाएं कुछ यहां पे सुहासनी अदर जी सजेस्ट करें ठीक उसी तरह से जैसे कुछ साल पहले इतने सालों पहले जवाहरलाल नेहरू जी ने नॉन अलाइन मूवमेंट का एक संगठन बनाया था तो चाहे वो साउथ अमेरिका है चाहे वो अफ्रीका है चाहे वो गल्फ रीजन है चाहे वो साउथ ईस्ट एशियन रीजन है ये सारे के सारे रीजनज दे के नॉट अफोर्ड द हॉस्टिलिटीज़ बिटवीन रशिया यूक्रेन बिटवीन द वेस्टर्न अटलांटिक पावर्स एंड रशिया ठीक है और एक ग्लोबल वॉर नो बडी वो वॉन्ट के आने वाले टाइम पे वर्ल्ड वॉर थ्री हो देखिए आज के टाइम पे महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस बहुत इंक्रीज़ हो रहे हैं ठीक है लोग सड़कों पर आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं फ्रॉम यूके टू इंडोनेशिया कितने सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं महंगाई से कितने सारे लोग जूझ रहे हैं तो हम अब चाहते हैं कि पांचवा महीना रशिया यूक्रेन के, के युद्ध को हो रहा है कि अब ये कैसे ये युद्ध को रोका जा सकता है कैसे अब फिर से हम लाइफ को नॉर्मल लेके आ सकते हैं अभी देखिए बहुत सारी इकोनॉमीज पैंडमिक से भी रिकवर कर रही हैं तो ये सब प्रॉब्लम्स के चलते के पास एक बहुत अच्छा मौका है कि इंडिया कैसे कम्युनिटी ऑफ लाइक माइंडेड नेशन बना सकता है लर्निंग फ्रॉम द पास की बात करें तो 1955 में एक ऐसा कुछ सिमिलर मूवमेंट था जब इंडिया टेकन इंडियाशिप अलॉन्ग विद्री सच एज इंडोनेशिया एंड इजिप्ट तो वहां पे एफ्रो एशियन यूनिटी देखने को मिली थी एशियन अफ्रीकन कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑफ द 29 नाइन न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन बैंडुंग में इंडोनेशिया में यह एक प्रीकर्सर माना जाता है टू द एम टू द नॉन अलाइन मूवमेंट तो नेहरू जी ने उस वक्त क्या सोचा था कि अगर भी पूरी दुनिया डिवाइड होगी बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर तो नतीजा क्या होगा फिर तो कोई विश्व युद्ध हो सकता है वर्ल्ड वॉर हो सकता है लेकिन वो नहीं हुआ ठीक है तो इट माइट बी वेरी नेसेसरी टू रिकन्सिडर नेहरूज़ वर्ड्स इन अ फ्रॉड विद डेंजर आफ्टर सेवन ये एडवाइस सुहेसनी आदर सुहेसनी हैदर जी इस आर्टिकल में दे रही है चलिए दोस्तों अगला आर्टिकल डिस्कस करेंगे दोस्तों अगर आगर आगर आपको वीडियो थोड़ा लंबा लगता है तो आप उसको 1.5x में 2x में भी देख सकते हैं अगर आपने टाइम सेव करना है लेकिन टॉपिक्स थोड़े लेंदी हैं तो आराम से उसको समझेंगे डिटेल में समझेंगे जल्दबाजी में नहीं करेंगे थोड़ा वीडियो अगर दस पंद्रह मिनट ऊपर भी जाता है तो उसको आप थोड़ा सा बेर कर लेना अब यहाँ पर बात करेंगे इंडिया यूरोपियन यूनियन ग्लोबल डायनेमिक्स की पहले तो कार्बन न्यूट्रलिटी की बात करें देखिए बहुत सारे देश हैं जो कह रहे हैं कि जी हम नेट जीरो अब देखिए पिछले साल से नेट जीरो की बात हो रही है जहां पे जो डेवलप्ड देश है वो 2050 तक नेट जीरो अटेन करना चाहते हैं जो डेवलपिंग देश है वो 2060 2070 तक अटेन करना चाहते हैं यूरोपियन यूनियन का ये ख्वाहिश है सपना है कि यूरोपियन यूनियन वांट्स टू बी द फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल रीजन इन द वर्ल्ड बट ट्वेंटी ठीक है यूरोपियन यूनियन हैज ब्रॉट आउट द यूरोपियन यूनियन ग्रीन डील इन जुलाई लास्ट ईयर तो यहाँ पे फोकस करा गया है कि चलो ठीक है इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रस्पेरिटी तो हमने करनी है लेकिन हमने सोसाइटी को एक बहुत फेयर तरीके से वेल्थी बनाना है जहाँ पे हम वातावरण का भी खास ख्याल रख रहे हैं कि हमने अपने रिसोर्सेज को भी एफिशिएंटली यूटिलाइज़ करना है एट द सेम टाइम हमने इकोनॉमिकली भी बहुत प्रॉस्प्रेस बनना है अब इसके चलते यहाँ पे दो बातें समझनी ज़रूरी है एक तो कार्बन कार्बन बेस्ड एडजस्टमेंट मैकेनिज्म और एक है आपका फिट फॉर 55 फाइव लेजिलेशन यह दो बातें यहाँ पे समझनी जरूरी है ठीक है तो सी बी एम को अगर हम जनरल टर्म में समझें लेमन टर्म में समझें यानी कि भैया अगर ऐसा है कि अगर अगर यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं जो यूरोपियन यूनियन में जो बजनेसेज हैं अगर वो हाईली कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम अदर कंट्री जो कि हाईली कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो जो जो है और जहाँ से वो चीज़ इम्पोर्ट करी जा रही है दोनों के ऊपर पेनल्टी लगी जाएगी टैक्स लगाया जाएगा जिसको हम कहते हैं कार्बन बेस्ड एडजस्टमेंट मकानिज्म राइट right. पहले यहां पे फिट फॉर 55 को समझ लें लेवन टर्म में समझे तो ये एक इमिजिएट स्टेप है टुवर्ड्स क्लाइमेट न्यूट्रलिटी यूरोपियन यूनियन हैज रेज इट्स 2030 क्लाइमेट एंबिशन ये कह के कि दैट वी आर कमिटेड टू कट द ग्रीन हाउस गैस अमेशन बाय एटलीस्ट 55% बाय 2030 कि चलो 2050 तक तो हम नेट जीरो होना चाहते ही हैं लेकिन 55% 50% नहीं बट 55% ऑफ द ग्रीन हाउस गैस बाई बाय 2030 रिड्यूस करना चाहते हैं तो दैट इज व्हाई यूरोपियन यूनियन इज वेरी ईगर मूव टुवर्ड्स नेट जीरो टारगेट टूवर्स ट्वेंटी फिफ्टी तो इसके चलते फिट वीडियो पैकेज यहां पे रखा गया है ठीक है और ये जो पॉलिसी है दिस विल एम एट इंश्योरिंग द यूरोपियन यूनियन पॉलिसीज जो की इन लाइन है क्लाइमेट गोल्स अग्रीड बाय द यूरोपियन काउंसिल एंड द यूरोपियन पार्लियामेंट इज वेल अब सी की बात करें तो ये फर्स्ट जनवरी 2023 से बिगिन करता है जो इंपोर्टर्स है दे विल ओनली हैव टू रिपोर्ट कि भाई कौन से कौन से जो देशों से हम सामान इंपोर्ट कर रहे हैं जो कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट्स हैं या जो प्रोड्यूसर्स हैं उसके बारे से रिपोर्ट करना है अभी जो टैक्स लिवाए होना शुरू होगा वो अभी से नहीं होगा टैक्स लिवाए शुरू कब से होगा एक जनवरी 2026 से होगा अभी इनिशियल फेज में पांच ऐसे कार्बन इंटेंसिव सेक्टर्स हैं जिसके ऊपर ये लवाए करा जाएगा कौन से हैं आयरन एंड स्टील अलूमिनियम सीमेंट फर्टिलाइजर्स और इलेक्ट्रिसिटी ठीक है सो दे विल बी टास्ड अंडर द सीबीएम। अब यूरोपियन यूनियन क्लेम है कि जो सीबीएम है दिस इज इंटेंडेड टू रिड्यूस कार्बन लीकेज लेकिन जो डेवलपिंग देश है उनका ये क्या कहना है डेवलपिंग देशों का कहना है कि भाई ये थोड़ा डिस्क्रिमिनेटरी है कि यह थोड़ा ट्रीड प्रोटेक्शनजम के टुवर्ड्स यूरोपियन यूनियन टारगेट कर रहा है कि भाई हमको डेवलपिंग देशों के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है ऐसे रिसोर्सेस नहीं है कि हम ज्यादा लेस कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट्स बनाए ऑन दी अदर हैंड ऑन दी अदर हैंड बहुत सारा ऐसा भी ओपिनियन यहाँ पे न्यूज़ में भी आया था मुझे याद है पिछले साल भी मैंने इस आर्टिकल को काफ़ी कॉन्फ्रियसिवली डिस्कस किया था फिर एक तरफ ये भी ओपिनियन आता है कि ठीक है डेवलपिंग देशों के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है वो रिसोर्स नहीं है कि वो हार्नेस कर सके या लेस कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट्स बना सके लेकिन मौका तो है ना इसी बहाने वो सीख सकते हैं कि, कि इसी बहाने वो एक्सेस पा सकते हैं टू तो क्लीनर टेक्नोलॉजीज जहाँ पे वो लेस कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट्स बना सकते हैं ठीक है तो ये एक थोड़ा सा एक डिफरेंस और डिस्प्यूट कह लो आप डेवलपिंग देशों और यूरोपियन यूनियन के बीच में ज़रूर रहेगा ठीक है अब यूरोपियन यूनियन का स्टैंड क्या है सी को लेके तो यूरोपियन यूनियन ये कह रहा है कि भैया अगर आपसे हम टैक्स लवाए कर रहे हैं जो हाईली कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट जो हमारे यहाँ पे भेजेंगे अगर आप हम अगर हम आपके ऊपर पेनल्टी लगा रहे हैं तो ये पैसा हम अपनी जेब में नहीं डाल रहे हैं अपने लोगों को नहीं बांट रहे हैं ये पैसा जो है ये हमारे नेक्स्ट जनरेशन ई बजट का पार्ट बनेगा और ये जो इनिशियटिव है नेक्स्ट जनरेशन ई ये इस इनिशिएटिव के चलते इकोनॉमिक सपोर्ट प्रोवाइड करी जाएगी टू द यूरोपियन यूनियन मेंबर कंट्रीज जो कि इंपैक्टेड हुए हैं पिछले दो सालों से बाद है कोविड नाइन्टीन पैंडमिक लेकिन डेवलपिंग देश क्या कहते हैं अब सारे के सारे डेवलपिंग देश तो यूरोपियन यूनियन में नहीं है इनफैक्ट यूरोपियन यूनियन में तो मोस्टली जो देश है वो डेवलप्ट है डेवलपिंग देश ये कहते हैं कि जो रेवेन्यू पर इकट्ठा करेंगे इस कार्बन बेस्ड एडजस्टमेंट मैकेजम से तो क्यों ना आप वो यूटिलाइज करें कि हमको आप हेल्प कर सकें डेवलपिंग देशों को हेल्प कर सकें साउथ अमेरिका में साउथ एशिया में साउथ ईस्ट एशिया में कि कैसे हम भी क्लीनर टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर सकें अब इंडिया और यूरोपियन यूनियन की बात करें तो दोस्तों हमारा बहुत गहरा संबंध है यूरोपियन यूनियन के साथ इनफैक्ट यूरोपियन यूनियन हमारा थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है उनके लिए हम इलेवंथ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हैं तो हम एक्सपोर्ट करते हैं ऑलमोस्ट फोटीन परसेंट ऑफ द ग्लोबल एक्सपोर्ट्स टू द यूरोपियन यूनियन और काफ़ी सालों से जो बातचीत है इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वो स्टॉल थी लेकिन अभी इसी साल जून में उस बातचीत को फिर रिवाइव करा गया है अब टारगेट है अब जहाँ पे इंडिया यू के साथ यूनो you ऑस्ट्रेलिया know, के साथ इसराइल के साथ यू के साथ ट्रेड अग्रीमेंट की बात करें तो वहाँ पर इस बात का टारगेट भी रखा गया कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में भी एफ टी एग्रीमेंट दो हज़ार तक साइन हो सके तो ट इज द वे फॉरवर्ड तो देखिए दोनों इंडिया और यूरोपियन यूनियन के लिए विन विन सिचुएशन है ये जो कार्बन बेस्ड एडजस्टमेंट है है ठीक तो अब यहां पे मौका इंडियन प्रोड्यूसर्स के पास भी है ठीक वो आर एन एंड स्टील में है चाहे सेक्टर में है कि कैसे वो भी लेस कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट्स बना सकते हैं तो ये जो पार्टनरशिप है जो ग्रीन पार्टनरशिप है बिकॉज देखिए इंडियन यूरोपियन यूनियन दे कैन कोऑपरेट बेटर बाय इन्वेस्टिंग इन क्लीनर एंड ग्रीनर टेक्नोलॉजी इन इंडिया हमको फंडिंग की जरूरत है हमको फाइनेंस की जरूरत है तो ये जो पार्टनरशिप है दिस विल अफर्म अगर इंडिया यूरोपियन यूनियन के बीच में फ्री ट्रेड फ्रीडेड

कि कोई लूपोल्स नहीं है यह बात भी गलत है चाहे वो पोलैंड है चाहे वो अमेरिका है चाहे वो यूके है चाहे वो इंडिया है कुछ ना कुछ कमियां हर किसी कंट्री में हर किसी डेमोक्रेसी में रहती हैं उनकी जुडिशरी में भी रह सकती हैं इस आर्टिकल को शुरू करते हैं पीटर रोनल्ड डिसूजा कंटेक्स में अमेरिका में जो रीसेंट अभी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई है फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें जो पचास साल पुरानी जजमेंट थी रो वर्सेस वेड वाली जहां पे यह कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने कि अभी अबॉर्शन करना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, है ना तो फॉर एग्जाम्पल अब ये बात कहना कि फंडामेंटल राइट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है बॉर्शन करना या सुप्रीम कोर्ट का न्यूयॉर्क के स्टेट लॉ को स्ट्राइक डाउन करना अभी रिसेंटली ट्वेंटी थर्ड जून को क्या हुआ था सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए ने न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क का एक स्टेट लॉ स्ट्राइक डाउन करा था जो कि लॉ ये कहता था कि देखिए अगर आपके पास तो प्रॉपर कॉज है या अगर आपके पास कोई प्रॉपर रीजन है गन कैरी करने का अपने घर से बाहर तो आपको लाइसेंस चाहिए है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका ने ये लॉ को भी स्ट्राइक डाउन कर दिया अब इससे क्या होगा इससे गन कल्चर को और बढ़ावा मिलेगा अभी आपको पता है चार जुलाई को क्या हुआ था शिकागो में अटैक हुआ था एक बाईस साल का गनमैन था ठीक है छह से ज्यादा लोग मारे जा चुके थे ठीक है तीस से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे उसमें से कितने बच्चे भी थे तो शिकागो में ने बहुत अंदाधुन गोली चलाई थी तो ये सुप्रीम कोर्ट का इस तरह के कानून को स्ट्राइक डाउन करना कि भाई आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं है आप खुले

या वो कॉन्स्टिट्यूशन से या वो यूएस के संविधान को अबाइड कर रहा है अब ये एक इंट्रोडक्शन में यहां पे बात पीटर रोनल डूजा शुरू करते हैं जहां पे डिक्लाइन ऑफ लेजिटेसी ऑफ जुडिशरी की बात करी जा रही है वट इज द सेंट्रल इशू सुप्रीम कोर्ट दे हैव टू बी वेरी विजिलेंट अबाउट द थ्रेट्स जो उनकी एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस को टारगेट कर सकते हैं अबाउट दिस थ्रेस टू द सुप्रीम कोर्ट्स अक्रॉस द वर्ल्ड अक्रॉस ऑल द डेमोक्रेसीज दे नीड टू स्टैंड सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम द डायमिक्स ऑफ पॉलिटिकल पावर देखिए वो बात आती है ना कि पावर करप्टूट पावर करप्टोलूटली तो इस करके ऐसा बहुत देखने को मिलता है कि देखिए अब एक्जेक्यूटिव इंटरफेरेंस जो हो जुडिशरी में हमने यहाँ पे भी देखा था इमरजेंसी के टाइम पे नाइनटीन सेवेंटीज़ में बहुत और देशों में भी ऐसा होता है लेकिन ज़रूरी क्या है जरूरी क्या है, है जुडिश्री के लिए जुडिश्री के लिए ज़रूरी है सेफ करना अपहोल्ड करना संविधान को कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन कोई महज पेपर डॉक्यूमेंट तो है नहीं ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन क्या है इट्स अ मॉरल कोड ऑफ आर टाइम्स जिस जिसको हमको बहुत ज्यादा डीपली इंट्रोस्पेक्टिवली रिफ्लेक्ट करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट गवर्न आर थॉट एंड बिहेवियर राइट क्वेश्चन ऑफ लेजिटिमेसी की जब बात आती है तो यहां पे क्वेश्चन ऑफ लेजिटिमेसी ऑफ सुप्रीम कोर्ट की जब बात आती है तो यहां पे तीन एस्पेक्ट्स को स्टडी करना बहुत जरूरी है पहला लिमिटेड गवर्नमेंट दूसरा डिफरेंस बिटवीन रूल ऑफ लॉ एंड रूल बाय लॉ रूल ऑफ लॉ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये बातें हम बहुत बार सुनते रहते हैं पढ़ते रहते हैं और तीसरा कोर्ट का क्या रोल है एज द प्रोमोटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी ठीक है जिसको मर्यादा की बात करते हैं अब पहले तो लिमिटेड गवर्नमेंट की बात समझें देखिए चेक्स एंड बैलेंस होना किसी भी डेमोक्रेसी में बहुत ज़रूरी है अब यहाँ पे तीन ऑर्ग्नस आ जाते हैं एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव और जुडिशरी है ना क्यों ऑर्गन एग्जिस्ट करते हैं टू कीप अ चेक ऑन ईच अदर अब देखिए एग्जीक्यूटिव के पास तो मशीनरी होती है सरकार की तो एग्जीक्यूटिव के पास वो टेंडेंसी भी होती है कि जो मशीनरी है सरकार की उसको मिस करने की ठीक है बिलीफ देखिए इतिहास गवाह है इस बात का कि जो सरकारें हैं इवन जो डेमोक्रेटिक वंस हैं दे विल ऑलवेज टेंड टुवर्ड्स ऑटोक्रेसी हमने देखिए नाइनटीन में भी देखा था इंदिरा गांधी के टाइम पे है ना इन सच अ सिचुएशन कोर्ट का क्या रोल होना चाहिए कोर्ट का रोल होना चाहिए एग्जैक्यूटिव के पंख को क्लिप करना चेक्स एंड बैलेंसेस की बात आती है जब भी, भी। एग्जेकटिव को ऐसे टेंडेंसी शो करता है ठीक है ऑथोरिटे जब भी ऐसे कोई टेंडेंसी एग्जेकटिव शो करता है जहां पे ऑथोरिटेरियन रजीम के टू वो कन्वर्ट हो रहा है यह, जहां पे जो एग्जेकटिव है वो टर्नी दिखा रहा है अपनी मेजोरिटी का मिस कर रहा है बाई लीगली हारिसिंग पीपल हु आर नॉट एग्रींग विद द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट या फॉल्स केसेज में अपने ओपोनेंट्स उप, को पोलिटिकल वेंडेटा के लिए अपने ओपोनेंट्स को अरेस्ट करवाया जा रहा है तो कोर्ट्स की ड्यूटी बनती है टू कॉल आउट दिस टर्नी ठीक है प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कोर्ट इज टू सर्व एज चेक्स अगेंस्ट दिस एग्जेक्यूटिव ओवर रीच रूल ऑफ द लॉ एंड रूल बाय लॉ तो यहां पर इस डिस्टिंक्शन को हम समझते हैं देखिए अगर हम बात करें सिंपल स्टैंडर्ड स्टैंडफोर्ड इन ऑफ फिलोसफी की तो रूल ऑफ लॉ क्या है इज सपोज टू लिफ्ट लॉ अब पॉलिटिक्स देखिए कानून से ऊपर कोई भी नहीं है ना कोई बिजनेसमैन है ठीक है ना अंबानी है ना अदानी है ना कोई राजनेता है ठीक है कानून से पर कोई भी नहीं है आइडिया इज दैट लॉ शुड स्टैंड अब एवरी पावरफुल पर्सन जो भी आप हो ठीक है चाहे आप कोई बिजनेसमैन हो चाहे आप आई ऑफिसर हो चाहे पॉलिटिशियन हो वट यू माइट बी रूल बाय लॉ आम तौर पे मैनिपुलेट किया जाता है सरकारों के द्वारा चाहे वो डेमोक्रेसी है चाहे वो कम्युनिस्ट कम्युनिस्टीम है ठीक so है दिस इज इंट्रोमेंट दिस इज एन इंस्ट्रूमेंटल यूज ऑफ द लॉ एज अ टूल ऑफ पॉलिटिकल पावर सो दिस मींस दैट द स्टेट यूजेस द लॉ टू कंट्रोल इट सिटीजन यानी कि लॉ को मैनिपुलेट किया जाता है सिटीजन को कंट्रोल करने के लिए रादर दैन की लॉ शुड कंट्रोल एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट और यानी कि या, यानी और जो लॉ इन द सेंस कि या तो लॉ को कंट्रोल करना चाहिए स्टेट को उल्टा नहीं होना चाहिए जो अथॉरिटी रिजीम्स हैं दे हाइड बिहाइंड द रूल बाय लॉ इसको मैनिपुलेट करते हैं कि कैसे वो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस को कंट्रोल कर सकते हैं जुडिशरी में इंटरफेरेंस दिखा सकते हैं और अपनी पावर का मिसयूज कर सकते हैं फिर हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की मर्यादा की यहाँ पर बात हो रही है तो द कोर्ट्स दे मस्ट रिमाइंड द पॉलिटिक्स ऑफ वॉट इज परमिटेड क्या परमिटेड है और क्या फॉरबिडन है ठीक है स्पेशली स्पेशली जो डायनेमिक्स ऑफ पॉलिटिक्स है दैट ड्रिवन बाय पावर ठीक है तो पॉलिटिक्स में इट्स ऑल अबाउट पावर मैक्सिमाइजिंग ठीक है यहाँ पे जो एथिक्स है वो नहीं आते हैं यहाँ पे पावर की जो हंगर है पावर की जो ग्रीड है वो ज़्यादा आती है पॉलिटिक्स में तो यहाँ पे अंत में वो फादर स्टैंड स्वामी का एग्जाम्पल यहाँ पे देखे कोर्ट करते हैं कि कोर्ट क्या कर रहा था फादर स्टैंड स्वामी को मरे को एक साल हो गया है अब देखिए फादर स्टान स्टैंड स्वामी को आपने सुना होगा एलगर परिषद केस के बारे अब स्टान स्वामी जी को एन ने अरेस्ट किया था युवापा के चलते अब ये भी एलिगेशन स्टान स्वामी के अगेंस्ट लगाए गए थे कि वो एक माओविस्ट सिंपथाइज़र हैं जबकि वो एक महज ट्राइबल राइट एक्टिविस्ट थे अब इस बात को प्रूव नहीं कर पाया कोई कि वो एक्चुअल में क्या क्या एक माओविस्ट सिंपथाइज़र थे कि नहीं थे लेकिन आपको याद होगा स्टान स्वामी को पार्किसन डिजीज़ भी था राइट right. उनको एक बेसिक इम्यूनिटी उन्होंने पानी पीना था चाय पीनी थी वो स्ट्रॉ से पीते थे उनको वो बेसिक फैसिलिटी स्ट्रॉ की भी डिनई करी गई थी ही वाज इवन डिनाइड डीसेंट हेल्थ केयर और उनको इवन बेल भी डिनाई कर गई थी बेल भी डिनई कर दी गई थी इन द नेम ऑफ रूल ऑफ़ लॉ तो ये रूल ऑफ लॉ क्या हुआ ये रूल ऑफ लॉ किस पर्पज़ के लिए अगर आप एक ऐसे मरीज़ को जिसको पार्किसन डिजीज़ है उसको आप ये बेसिक फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर रूल ऑफ लॉ रूल बाय लॉ में तो डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है ना चलिए सो so दोस्तों आज का जो लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन में आया है जो कि आईटीस टी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू थाउजेंड एक्ट सेक्शन सिक्सटी नाइन ए की बात कर रहा है तो हम क्यों यहाँ पे बात करें कंटेक्स की बात करें देखिए ट्विटर ने इनिशिएट करा लीगल एक्शन अगेंस्ट मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो सोशल मीडिया कंपनी है ट्विटर दैट हैज मूव एन अपील इन द कर्नाटका कोर्ट अगेंस्ट द मिनिस्ट्री क्योंकि मिनिस्ट्री ने ऑर्डर करा था ट्विटर को कि कुछ कंटेंट है जो कि ट्विटर को टेक डाउन करना पड़ेगा कॉल ऑफ करना पड़ेगा ठीक है अब यहां पे दोस्तों जो आईटी मिनिस्ट्री है दैट हड रिटर्न टू ट्विटर कि भाई अगर आप हमारे ऑर्डर से कंप्लाई नहीं करेंगे बाय जुलाई फोर तो जो आपका सेफ हार्बर प्रोटेक्शन है वो आप लूज कर देंगे अंडर द इंटरमीडरी रूट्स ठीक है तो कुछ ऐसा कंटेंट था किसी कुछ लोगों के अकाउंट से जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ट्विटर को रिक्वेस्ट किया था कि आपने वो कंटेंट टेक डाउन करना है और आपने वो जो जो अकाउंट यूजर्स उनको आपने ब्लॉक करना है अपने प्लेटफॉर्म से तो पहले तो हम सेफ हार्बर कंडीशन के बारे में समझें देखिए दोस्तों सेक्शन 79 ऑफ द आईटी एक्ट 2000 ये क्या कहता है कि भाई कोई भी इंटरमीडियरी है फेसबुक है इंस्टाग्राम है ट्विटर uh, है अगर कोई भी इंसान वहाँ पे कोई कंटेंट डाल रहा है अब उस कंटेंट के चलते वायलेंस प्रमोट होता है या कुछ ऐसा कुछ ऑप्सीन कंटेंट वहाँ पे डाला जा रहा है ठीक है uh, तो इस तरह का कंटेंट डालने से जो इंटरमीडियरी है चाहे वो ट्विटर है चाहे वो फेसबुक है तो वो लाइबल नहीं है इसके लिए उसकी लाइबिलिटी नहीं बनती है वो लाइबिलिटी किसकी बनती है जो व्यक्ति है या जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके प्लेटफॉर्म को यूज़ करके ऐसा कोई कंटेंट वहाँ पर डाल रहे हैं तो बेसिकली एज लॉन्ग एज द प्लेटफॉर्म इज एक्टिंग जस्ट लाइक अ मैसेजर कभी आपने कोई कंटेंट डाला आपने कोई पोस्ट डाली नाउ दैट माइड वी वेरी ऑफ सीन नाउ दैट माइट इंस्टिगेट वायलेंस दैट माइ लीड टू कम्यूनल राइट्स एज वेल अब आपने वो पोस्ट डाल दिया ठीक है अब आपने ट्विटर पर डाला आपने फेसबुक पर डाला वो चलो आप उसके लिए जिम्मेवार हैं आप उसके लिए लाइबल हैं इसमें ट्विटर या फेसबुक इसके लिए लाइबल नहीं रहेगा ठीक है जब तक जब तक ट्विटर हो या फेसबुक हो या कोई भी ऐसा यू नो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो जब तक तो वो खुद इस कंटेंट को प्रमोट नहीं कर रहा तब तक वो प्लेटफॉर्म जो है वो सेफ रहेगा फ्रॉम एनी लीगल प्रोसिक्यूशन तो ये तो सेफ हार्बर कंडीशन की बात आ जाती है सेक्शन सेवेंटी नाइन ऑफ दिस एक्ट में ना अब ये बात करिए कि भाई अब जुलाई फोर्थ तक अगर आपने ऑर्डर कंप्लाई नहीं करा तो आपका जो सेफ हार्बर कंडीशन है वो आप लूज कर देंगे ना हाउ डज दिस इंपैक्ट ट्विटर ठीक है अगर जो प्रोटेक्शन ट्विटर को मिली है अंडर सेक्शन सेवेंटी नाइन ये चले जाती है ना दिस ओपन अपॉर्म टू द द द पॉसिबिलिटी ऑफ ऑफ एनी एंड ऑल एक्शन इज लाइकली टू बी टेकन अगेंस्ट पब्लिशर कंटेंट यानी कि अब अगर ये कंडीशन अगर सेफ हार्बर कंडीशन ट्विटर के पास नहीं है तो अब क्या होगा अब अगर कोई व्यक्ति कोई इस तरह का कंटेंट जो कि वायलेंस प्रमोट कर सकता है कम्युनलिज्म प्रमोट कर सकता है कम्युनल राइट्स प्रमोट कर, कर सकता है कोई ऑप्शी कंटेंट है ठीक है किसी के सेंटिमेंट हर्ट कर सकता है तो वो व्यक्ति या वो संस्था तो रिस्पॉन्सिबल होगा ही होगा लेकिन जो प्लेटफॉर्म है जिसके पास अब ये सेफ हार्बर कंडीशन नहीं रहा तो इस केस में ट्विटर की बात हो रही है तो वो भी लाइबल रहेगा कि उसको ही कंडीशन अब सेफ हार्बर कंडीशन नहीं मिलेगी ठीक है तो ट्विटर विल ऑल्सो भी लीगली लाइबल फॉर द कंटेंट विच हेज़ बिन रिटर्न विच हैज बिन प्रमोटेड बाय सम इंडिविजुअल और बाय सम ऑर्गेनाइजेशन एज इट नो लॉन्गर हैज दिस सेफ हार्बर कंडीशन वट इज सेक्शन सिक्सटी नाइन एफ दी आई टी एक्ट देखिए दोस्तों सेक्शन 69 ए ऑफ़ दी आई टी एक्ट टू ये अलाउ करता है केंद्र सरकार को कि वो इस तरह के ऑर्डर सोशल मीडिया कंपनीज़ को दे सकता है अगर किसी का अकाउंट ब्लॉक करना है कोई कंटेंट स्ट्राइक डाउन करना है अगर वो द इफ दैट मैटर इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉब्रेनिटी और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया इन द इंटरेस्ट ऑफ इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया डिफेंस ऑफ इंडिया तो उस केस में जो सरकार ये ऑर्डर कर सकती है ट्विटर को फेसबुक को कि आपने वो कंटेंट जो है स्ट्राइक डाउन करना है ना एज पर द रूल्स दैट गवर्न दीज ब्लॉकिंग ऑर्डर जो भी रिक्वेस्ट सरकार के द्वारा करी जाती है टू एनी सोशल मीडिया इंटरमीडिय वो पहले कमेटी के पास जाती है रिव्यू के लिए उसके बाद जब वो कमेटी रिव्यू करती है उसके बाद डायरेक्शन दिए जाते हैं टू दोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नाउ वाई हैज़ ट्विटर फाइल्ड अ लॉ सूट देखिए ट्विटर ने क्लेम करा है कि चलो आपने जो ब्लॉकिंग ऑर्डर्स हमको दिए हैं ये प्रोसीजरली और सब्सटांशियली ये डेफिशेंट है ये वायलेट है, करते हैं सेक्शन 69 ए ऑफ द एक्ट को फॉर एग्जांपल यहां पे ट्विटर का ये कहना है कि भाई हमको कुछ पहले प्रायर नोटिस तो देना पड़ेगा ना किसी भी इंसान को देखिए फ्रीडम ऑफ स्पीच है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है तो अगर आप किसी का अकाउंट आज ब्लॉक कर देंगे उस पर उस इंसान के परमिशन के बिना चाहे उस इंसान ने कुछ मर्जी कंटेंट लिखा हो तो उसको प्रायर नोटिस देना तो बहुत जरूरी ना जो यूजर है जो कंज्यूमर है हमारे प्लेटफॉर्म का तो उसको बिना नोटिस दिए हम कैसे उसका अकाउंट ब्लॉक कर दें या कैसे उसका कंटेंट हम स्ट्राइक डाउन कर दें और ट्विटर ने यह भी इलेज करा है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है दैट हैज फेल्ड टू डेमोन्स्ट्रेट हाउ सम ऑफ द कंटेंट जो कि बोला गया है स्ट्राइक डाउन करने के लिए वो कैसे सेक्शन 69 ए के परव्यू में फॉल करता है यानी कि हम कैसे मान लें कि वो जो कंटेंट आपने बोला है स्ट्राइक डाउन करने के लिए वो इंडिया की इंटेग्रिटी को सॉब्रनिटी को या डिफेंस या सिक्योरिटी को इम्पैक्ट करता है तो ट्विटर के हिसाब से जो मिनिस्ट्री ने जो ऑर्डर दिए हैं वो बहुत ओवर ओवरब्रॉड बहुत आर्बिट्ररी है तो ट्विटर ने फाइल ये लॉ सूट क्यों फाइल करा है देखिए जून 26 को ट्विटर हैड सबमिटेड अ लिस्ट ऑफ अकाउंट्स एंड ट्वीट्स दैट इट हैड ब्लॉक्ड बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट इन 2021 ठीक है अब यहां पे वाइल द रिक्वेस्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट वाज टू ब्लॉक मल्टीपल अकाउंट जिसमें से कुछ ट्वीट थे कुछ अकाउंट्स थे कुछ ऐसे एन हैं कुछ ऐसे इंटरनेशनल एडवोकेस ग्र गुप लाइक एग्जाम्पल फ्रीडम हाउस की बात करें कुछ जर्नलिस्ट की बात करें अब यहाँ पर ट्विटर का ये कहना है कि ये जो कुछ ऐसे एन हैं चाहे फ्रीडम हाउस है चाहे कुछ जर्नलिस्ट हैं या कोई पोलिटिकल ओपनेंट्स ऑफ द रूलिंग पार्टी या सपोर्टर्स ऑफ द फार्मर प्रोटेस्ट बिकॉज ये रूलिंग पोलिटिकल पार्टी के आइडियोलॉजी के साथ फिट नहीं बैठते हैं इस करके रूलिंग पोलिटिकल पार्टी ने यह निर्देश दिए कि आप इनके अकाउंट्स को ब्लॉक कर दीजिए ठीक है अब हम पढ़ते रहते हैं कि फ्रीडम हाउस भी बहुत अच्छी रिपोर्ट नहीं इंडिया के लिए निकालता फ्रीडम हाउस की भी बहुत बार पब्लिकेशन आती है जहाँ पर यह कहा जाता है कि इंडिया में रिलीजियस फ्रीडम नहीं है सिविल लिबर्टीज़ नहीं है काफ़ी बार देखिए काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि जो इस तरह के जो पब्लिशिंग हाउसेज़ होते हैं जो वेस्टर्न मीडिया आउटलेट्स होते हैं या जो एन होते हैं इनका खुद का एक प्रोपेगेंडा भी होता है जो कि जान के भारत को एक बुरी छवि में रखना चाहते हैं तो ये बात सरकार की भी कहना गलत नहीं है कि ये जानबूझ के ऐसी बातें करते ताकि इंडिया को एक बुरी छवि में रखा जाए पर बहरहाल मिनिस्ट्री ने रिस्पॉन्ड किया था कि भारत में देखिए आपके पास जो भी फॉरेन इंटरनेट कंपनीज़ हैं चाहे वो ट्विटर है फेसबुक है, है उनके पास राइट है कि वो कोर्ट के पास जा सकते हैं जुडिशियल रिव्यू की बात कर सकते हैं लेकिन जो लॉ ऑफ द लैंड है चाहे आप ट्विटर हैं, चाहे आप फेसबुक हैं चाहे आप एमेजॉन है चाहे आप कोई मर्जी कंपनी है ठीक है आपको लॉ ऑफ द लैंड तो मानना ही पड़ेगा उसके बाद आपने कोर्ट में जाना है प्रोटेस्ट करना है जुडिशल रिव्यू की बात करनी है वो आप कर सकते हैं लेकिन आपको हमारी जो कानून है जो स्थापित हैं वो आपको मानने ही पड़ेंगे तो ट्विटर का ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है एज फार एज कंप्लाइंग विद गवर्नमेंट ऑर्डर कंसर्न देखिए अकॉर्डिंग टू ट्विटर्स लेटेस्ट ग्लोबल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट जो कि जनवरी से जून 2021 के बीच में जो पब्लिश करी गई थी तो यहां पे ट्विटर की रिपोर्ट ये बताती है दैट इंडिया अकाउंटेड फॉर द फोर्थ हाइएस्ट नंबर ऑफ द लीगल कंटेंट टेक डाउन रिक्वेस्ट ऑफ द कंपनी तो जहां पर ट्विटर के पास लगभग चौतालीस लीगल डिमांड्स आई थी कंटेंट रिमूव करने के लिए उसमें से लगभग बीस जो अकाउंट्स थे वो इंडिया में ही थे ठीक है तो इंडिया हैज़ अकाउंटेड फॉर इलेवन परसेंट ऑफ द ग्लोबल लीगल डिमांड्स तो ट्विटर कंप्लाई करता है भारत सरकार के रिकॉर्ड्स के साथ चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे क्या बनता है दोस्तों डिस्टिंग्विश बिटवीन रूल ऑफ डिस्टिंग्विश बिटवीन रूल बाय लॉ एंड रूल ऑफ लॉ जो टेंडेंसी है ऑफ़ द मैनिपुलेट द टेंडेंसी ऑफ मैनिपुलेट ऑफ द टेंडेंसी ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ द फॉर्मर ओवर द लैटर यानी कि जो टेंडेंसी है मैनिपुलेट करने की रूल बाय लॉ यानी कि फॉर्मर ओवर द लैटर यानी कि रूल ऑफ लॉ कैन लीड टू इरोजन ऑफ फेथ इन जुडिशरी इसको कमेंट करिए ढाई शब्दों में तो ये आपका क्वेश्चन ऑफ़ द डे बनता है बाकी दोस्तों जाने से पहले इन्फॉर्मेशन जो आपको मैं देना चाहता हूँ वो ये है कि हमारे ऑफलाइन कोर्सेज़ भी शुरू होने वाले हैं और दो हफ्तों में तो यदि दोस्तों आप जुड़ना चाहते हैं अगर आप ट्राई सिटी में रहते हैं पंजाब में कहीं रहते हैं या पंजाब के बाहर भी कहीं रहते हैं आप यहाँ पर आना चाहते हैं आप स्लीपी क्लास के साथ ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो दोस्तों आप प्लीज़ हमारे नंबर पर कॉल करके अपने आपको रजिस्टर कराइए इससे पहले के सारे के सारे स्लॉट्स बुकड हो जाएँ और बाकी दोस्तों सोशोलॉजी हो पी एस आई हो जनरल स्टडीज़ हो तो दोस्तों चलो ऑफलाइन तो हम शुरू कर रहे हैं बट ऑनलाइन कोर्सेज़ भी हमारे कंटिन्यूड रहेंगे अगर मैं सोशालॉजी और पी की बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पर चलो जीएस में तो आपको प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स अब नहीं मिलेंगे लेकिन सोशलॉजी में और पीएसआईआर में दोनों में आपको प्री रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी राइट अपार्ट फ्रॉम दी ऑनलाइन क्लासेस ऑनलाइन लाइव क्लासेस ऑन दी ऑफलाइन बैच तो यदि दोस्तों आप इसमें जुड़ना चाहते हैं आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं तो दोस्तों आज के लिए इतना ही थोड़ा वीडियो लंबा गया है टॉपिक्स थोड़े डिटेल में हमने समझे हैं सो तो अगर आप चाहें तो वीडियो को थोड़ा सा वन पॉइंट फाइव एक्स टू एक्स करके भी देख सकते हैं बाकी दोस्तों मिलेंगे कल आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए थैंक यू सो मच जय हिंद